हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। तो सक्षम योजना से संबंधित एक बड़ी अपडेट आई है। इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। तो आप देख सकते हैं सक्षम युवा योजना। तो सक्षम योजना से संबंधित एक इसमें कुछ जानकारी बताई गई है आपको, ये ध्यान देने योग्य है, आपको ये पता होनी चाहिए। तो इसमें बताया कि शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना 2016 में शुरू की गई थी। लोकप्रिय रूप से सक्षम युवा योजना कहा जाता है। राज्य के पात्र स्नातकोत्तर के लिए 1 नवंबर 2021 को यह शुरू की गई थी योजना, सक्षम योजना। तो बाद में इस योजना को धीरे धीरे पात्र इंजीनियरिंग और समक्षों के स्नातक जो ग्रेजुएशन है, बी कॉम कर रखी है या बी ए गणित से कर रखी है, बी ए कला से कर रखी है या प्लस टू को, इन सभी को शामिल कर दिया गया है। और योजना के 3 मुख्य घटक है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ किस किस हिसाब से आपको भत्ता दिया जाता है। तो भत्ता आपको बेरोजगारी भत्ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 3,000 रुपये दिया जाता है। तो इसमें ये बताया है पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 3,000 रुपये भत्ता दिया जाता है और ग्रेजुएशन वालों को 1,500 रुपये दिया जाता है, प्लस टू वालों को 900 रुपये दिया जाता है। ये इसमें बताया गया है, अभी आप ध्यान से देख लेना। अगले सेकंड पॉइंट पर उन्होंने बताया मानदेय 6,000 रुपये दिया जाता है। जी हाँ, अगर आपके पास काम कमाई से जाता है तो आपको महीने के 6,000 रुपये की जो राशि दी जाती है प्रति माह 100 घंटे आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, मानद कार्य के रूप में आपको ये काम करना पड़ता है, ठीक है। 6,000 रुपये का आपको मानदेय दिया जाता है, 100 घंटे आपको कार्य करना होता है। प्लस टू के पास हो या ग्रेजुएशन के पास हो, सभी के पास है, काम कमाई से भेजा जाता है, ठीक है। तो ये 3 साल तक मिलता है, इसमें ये बताया गया है। और साथ में कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, थर्ड पॉइंट में ये बताया इन्होंने। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ योजना की मुख्य विशेषताएं। तो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। सेकंड में बताया गया आवेदक को संबंधित रोजगार करें लेकिन लाइव रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए। आपका लाइव स्टेटस होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा रोजगार विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, hrx.gov.in, जी हाँ, ठीक है। तो आपका लाइव रजिस्टर होना चाहिए पंजीकरण। यदि आपने पंजीकरण नहीं करवाया है तो एक और बात आपको मैं बता दूं, अगर आपने पंजीकरण नहीं करवाया है रोजगार विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना है, hrx.gov.in, जी हाँ, ठीक है। तो इस पर वेबसाइट पर आपने पंजीकरण करवा लेना है। अगर ये नेक्स्ट बात इन्होंने बताई है थर्ड पॉइंट पर, पात्र ग्रेजुएशन या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, डिग्री इनमें से कर रखी है, तो वो पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, यूटी चंडीगढ़ या एनसीटी दिल्ली या हरियाणा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए थी। वे आवेदक जिन्होंने पात्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी पात्र डिग्री प्राप्त की है, योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, वे सभी लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे, ठीक है, इन्होंने ये बताया है। अगला पॉइंट में उन्होंने बताया है आवेदक को प्लस टू परीक्षा नियमित छात्र के रूप में या किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE दिल्ली ऑफ इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड दिल्ली से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से रेगुलर से या CBSE बोर्ड से या ICSE इस बोर्ड से अगर आपने कर रखी है रेगुलर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो केंद्र सरकार प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है जो, ठीक है, हरियाणा में। अगली बात उन्होंने बताई है प्लस टू के लिए आवेदक की उम्र, अगर आप प्लस टू बेस पर सक्षम योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 से 35 साल होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 21 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात उन्होंने बताई है आवेदक को पत्राचार नेशनल ओपन स्कूल से माध्यम से प्लस टू परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपने प्लस टू ग्रेजुएशन PGT अगर आपने ओपन से कर रखी है, डिस्टेंस से कर रखी है, प्राइवेट से कर रखी है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इन्होंने साफ साफ ये बताया है, ठीक है। वो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जिन्होंने ओपन से कर रखी है पढ़ाई, ठीक है। इसके बाद बताई इन्होंने आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत नियमित छात्र नहीं होना चाहिए, पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत नियमित छात्र नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये बात बताई। अगले पॉइंट में बताया है आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगली बात बताइए, आवेदक किसी भी प्रकार के रोजगार जैसे सार्वजनिक निजी क्षेत्र किसी भी रोजगार से संबंधित नहीं होना चाहिए, किसी भी रोजगार में लगा नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये बात बताई है। अगली बात बताइए, आवेदक वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से कम होनी चाहिए। अगली बात बताइए, मानदेय का भुगतान अधिकतम, आपका जो काम का मैसेज आता है तो इसमें 3 वर्ष तक दिया जाता है आपका काम, 36 महीने आपको काम करना पड़ता है 35 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो इसके लिए किया जाएगा, 3 वर्ष 36 महीने की अवधि मानदेय आवंटन की तिथि से शुरू होगी और 35 वर्ष की आयु तक आपका जो भत्ता दिया जाएगा, ठीक है, इन्होंने ये बात बताई है। अगली बात बताइए, आपका जो पंजीकरण है जो सक्षम योजना का ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है, डिजिटल मोड में जो पोर्टल है ये सक्षम योजना का, इस पर आपका पंजीकरण होगा, ऑफलाइन माध्यम से नहीं होगा। तो ये जरूरी बातें थी फ्रेंड्स जो आपके साथ शेयर करनी थी, सक्षम योजना से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन थे, इन बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके साथ शेयर करनी थी छोटी सी जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।